हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अपने प्ले स्टोर के जरिए अपने इंस्टाग्राम ऐप को इंस्टॉल कर रहा था। ठीक है, इंस्टॉल कर रहा था तो यहाँ पर देखिए बार बार ना एक मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कांट इंस्टॉल इंस्टाग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना इस तरीके का ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपके साथ भी इस तरीके का इशू आता है ना कोई भी, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है कि हमारे मोबाइल के नेटवर्क सिस्टम काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमारे नेटवर्क सिस्टम जो है ना ठीक से काम नहीं करते हैं, इंटरनेट के या फिर मोबाइल के नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, तो उनको जो है ना रीसेट करने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए मैं इसे आपको प्ले स्टोर को यहां से मैं कट कर देता हूं। अब यहां पर जो है ना मैं अपने मोबाइल फोन के सेटिंग पेज में आना है, आपको सेटिंग पेज में आना है और यहां पर आपको सर्च बार में सेलेक्ट करना है। सबसे ऊपर ये सर्च बार है ना, इसे आपको सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है रीसेट ऑप्शन। ठीक है, रीसेट ऑप्शन आपको यहां पर टाइप करना है इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सिलेक्ट करना है। यहां से आप जो है ना अपने मोबाइल फोन के डायरेक्ट इस सेटिंग पेज में आप आ जाएंगे रीसेट ऑप्शन के, और यहां पर आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ इसके फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब ये तीनों के तीनों आपके मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग होती है। ठीक है, वाईफाई मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ, तो सबसे नीचे आपको इसे रीसेट सेटिंग पे आपको इसे सिलेक्ट करना है। अब यहां पर अगले पेज में आपको अपने मोबाइल का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। स्क्रीन लॉक एंटर करने के बाद आपको इसे राइट क्लिक करना है, तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, तो इसे आपको रीसेट सेटिंग पे दबा देना है, तो ये कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी नेटवर्क सेटिंग जो है ना सिर्फ आपकी नेटवर्क सेटिंग रीसेट होती है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि हमारे मोबाइल फोन के नेटवर्क सिस्टम जो होते हैं ना वो हमारे ठीक से काम करने लग जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना इस तरीके से, और यहाँ पर आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल डेटा है, ठीक है, आपका जो मोबाइल डेटा आपने ऑन कर रखा है, ये आपका ओवर तो नहीं हो गया, खत्म तो नहीं हो गया, जो आपका डेली का जो भी डेटा होता है ना वो आपका खत्म तो नहीं हो गया, ये भी आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर जो है ना अब हमने ये इसे हमने दबा के देख लिया है। ठीक है, मतलब रीसेट सेटिंग करके देख ली है नेटवर्क की। अब हम जो है अपने प्ले स्टोर में दोबारा से जाएंगे और अपने इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि हमारा इंस्टाग्राम यहाँ पे इंस्टॉल होता है नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है ना इसे यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो देखते हैं हमारा यहाँ पर ये इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अभी तो ये प्रोसेस में चालू हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस में चालू तो पहले भी हो गया था लेकिन इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था, पता नहीं किस वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम यहाँ पर जो है ना कुछ सेकंड का वेट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा इंस्टाग्राम पूरी तरीके से इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है और हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती है कि नहीं होती है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके साथ जो है ना फिर भी कोई एरर आएगा ना, तो एक लास्ट तरीका होता है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, प्रोसेस, ठीक है, जिससे आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, हम देख लेते हैं यहाँ पर इंस्टॉल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं थोड़ा सा। तो ये अपडेट में काफ़ी सारे लोगों को देखिए इंस्टॉलिंग शुरू हो गया है। ठीक है, इंस्टॉलिंग शुरू हो गया है क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेरा पहले से इंस्टाग्राम ऐप तो मेरा मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल है, लेकिन यहाँ पर मैं अपडेट कर रहा था उसको। ठीक है, अपडेट करने से क्या होता है, आपका जब भी एप्लीकेशन अपडेट होता है ना तो वो दोबारा से इंस्टॉल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम पहले से था और यहाँ पर इंस्टॉलिंग ये दोबारा से हो रहा है क्योंकि मैंने इसे अपडेट कराया अभी इंस्टाग्राम ऐप को। ठीक है, तो मैं इसे अपडेट पहले भी कर रहा था, लेकिन जो है ना अपडेट कर रहा था ना, तो यहाँ पर जो है ना एक सामने की तरफ पेज आ गया था कांट इंस्टॉलिंग इंस्टाग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये है ना इस तरीके से इशू आता, देखते हैं हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं होता है। मेरा प्रोसेस ना यहीं कहीं पे रुक गया था थोड़ा सा पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हम देख लेते हैं, काफ़ी देर से अभी तक ये प्रोसेस में चल ही रहा है, देखते हैं कहीं दोबारा से प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगा या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता ही नहीं होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन देखते हैं हमारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है और ये अपडेट बिल्कुल पूरी तरीके से हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे मैं ओपन करूँगा तो ये यहाँ पर ये मेरा इंस्टाग्राम के ऐप में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, अब अगर दोस्तों अगर आपका फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है ना, तो आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का पावर बटन आपको दबा के रखना है और अपने फ़ोन को ना रीस्टार्ट कर लेना है, रीस्टार्ट कर लेना है। ठीक है, और तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से आप जो है ना इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपका इस तरीके से कोई भी इशू आता है तो आपके फोन में। ठीक है,